सो हैरी वन वेलकम बैक टू अन वरी इंपॉर्टेंडियोन फ्रॉम यर ओन चैनल माई नेम इज वि कुमार शर्मा एंड आईम योर बायोलॉजी मैं टॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इनफ्लोरसेंसेस यहाँ से आपका नीट में चार नंबर का सवाल आता ही आता है और ऐसे क्वेश्चन यहाँ से नीट में आपके पूछे जाते हैं जो कि आप एनसीआर टी पढ़कर सॉल्व नहीं कर पाते सो इट लीड्स टू डीमोटिवेशन और आपको ये लगने लग जाता है कि हमारी तैयारी उतनी ऑप्टिमम नहीं है बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ये टॉपिक आपका एक्स्ट्रा एज एनसीआर टॉपिक है जिसमें एनसीआर में सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल चार लाइन का आर्टिकल दिया हुआ है दो डायग्राम्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इरेवेंट है से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो ऑन यू टूब फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा एंड ऑल द थिंग्स विल भी कंपाइड अपन अ वेरी ब्यूटिफुल वे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं तो प्लीज मेक श्योर की आप इस वीडियो को देखें कंसेप्चुलाइज करें समझे और फिर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं राइट चलिए सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ओ दोन क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा बैकअप चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है ओजो क्लासेस टू पॉइंट टो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं दोनों के दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इंस्टाग्राम पर मैं काफी एक्टिव हूं सो so, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल यू कैन फॉलो मी अप इफ यू आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम चलिए तो एक्स्ट्रा एजेंसी आरटी सीरीज करते हैं आज मॉर्निंग बाइट की जगह एक्स्ट्रा एज है बिकॉज आज प्रयास बैच लॉन्च होने वाला है तो ये वीडियो आपके प्रयास बैच वाले बच्चों के लिए भी है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको जितना मैं एक्सटेंड कर सकता था उतना मैंने एक्सटेंड कर दिया है इससे ज्यादा डेटा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट सो ये जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज गिवन ओवर हियर सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू इलेबोरेटेड जिससे कि हम लोग जो है अपने कॉन्टेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ सके राइट right? तो so, एक बार मैं पेन ले लेता हूं गाइस चलिए सो क्या होता है सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा और इनफ्लॉरेंस समझने से पहले आपको फ्लावर के बारे में समझना पड़ेगा बिकॉज सिंस ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो है आई वॉन्ट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टू बी क्लैरिफाइड राइट सो फ्लावर क्या है ये एक मोडिफाइड शूट है यानी आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है देखो एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं जो टिप पे प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनका नाम है एपिकल क्योंकि एपेक्स पे प्रेजेंट रहते हैं so, जब आपका प्लांट डेवलप करना स्टार्ट करता है तो उसके पास दो तरीके की एपिकल मैरिस्टम होती हैं एक रूट एपिकल मेरिस्टम जो पूरा रूट सिस्टम तैयार करती है एक शूट एपिकल मेरिस्टम जो पूरा शूट सिस्टम तैयार करती है तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम होती है इसके कुछ पार्ट आपके फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टम मतलब ये क्या करेंगे ये आपके फ्लावर्स को जर्मिनेट यू नो आपके फ्लावर्स को गेबराइज करेंगे सो फ्लोरल मेरिस्टम जो है यहां से आपके फ्लावर उगने स्टार्ट हो जाएंगे तो यहां पर एक्सिस जो है आपकी कंडेंस हो जाती है तो फ्लोरल मेरिस्टम में आपकी जब एक्सिस कंडेंस होगी तो इसका क्या मतलब है एक्सिस एक्सिस कंडेंस हो जाना यानी एक्सिस का छोटा हो जाना जाना यानी का छोटा अगर ये आपकी लॉन्ग एक्सिस है तो इस पर आपके नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से आपके लीफ वगैरह और काफी सारे अपेंडेज अराइज हो जाते हैं और इनके बीच में जो स्पेस रहता है इसे आप इंटरनोड बोलते हैं जो कि नोड के बीच का स्पेस है सो ये इंटर नोड जो है ये यहां पर छोटा हो जाता है इट यूज टू शॉर्टन और इसके शॉर्ट होने की वजह से आपका ओवरऑल जो एक्सिस की लेंथ है वो क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाएगी और इस शॉर्ट एक्सिस के ऊपर जो है आपको फ्लावर की ग्रोथ देखने को मिल जाती है सो so, एक्सिस जब कंडेंस होगी तब जाके आपकी फ्लोरल ग्रोथ ठीक से हो पाएगी सो so, फ्लावर जो है ये या तो सिंगली ही बॉर्न हो सकते हैं या फिर क्लस्टर यानी गुच्छे में बॉर्न हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा फ्लावर जो शूट टिप से बना है जो बिल्कुल टर्मिनल फ्लावर होगा वो हमेशा अकेला मिलेगा वो हमेशा सॉलिटरी मिलेगा इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा और डायग्राम भी दिखा दूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एनसीआरटी के डायग्राम से हम इस पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं कि आपका जो बिल्कुल शूट टिप से अराइज होने वाला फ्लावर है वो आपका हमेशा सॉलिटरी यानी सिंगल मिलता है वो गुच्छे में नहीं मिलेगा

You know, पूरे लेक्चर को ठीक से समझना है ये पूरा एनसीआरटी आपको यहां पे समाप्त दिया इससे ज्यादा एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है पहली क्या बताई हुई आपकी रेसिमोज इनफ्लोरसेंस रेसिमोज जिसमें आपकी जो एक्सिस है ग्रो करती ही चली जाती है करती ही चली जाती है तो जो शूट एक्सिस है यह आपका इनडेफिनेटली ग्रो करती है यानी ये अनलिमिटेड वे में ग्रो करती है क्यों क्योंकि आपका जो है टर्मिनेट नहीं होता यहां पर फ्लावर यहां पर आपके फ्लावर जो है लेटरली प्रेजेंट होते हैं यानी अगर ये आपकी एक्सिस है तो फ्लावर यहां पर प्रेजेंट होगा 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 एंड सो ऑन तो आपके लेटरल साइड में फ्लावर बनते चले जाएंगे टर्मिनल जो फ्लावर है वो यहां पर नहीं प्रेजेंट रहता तो एक्सिस कभी टर्मिनेट नहीं रहती इसीलिए इनडेफिनेटली ग्रो होती है यह आपके रेसिमोज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो फ्लावर्स होते हैं वो यहां पर एक्रोपेटल सक्सेशन में उगते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब आपके जो बूढ़े फ्लावर्स हैं जो आपके बहुत टाइम पहले बन गए थे वो आपके बेस पे प्रेजेंट होंगे और जो नया नया फ्लावर बना है वो आपका सबसे ऊपर प्रेजेंट रहेगा इसे एक्रोपेटल सक्सेशन आप लोग कहते हैं एग्जाम्पल्स है इसके रेडिश और मस्टर्ड यानी कि आपकी फैमिली ब्रेसी केसी की यहां पर बात हो रही है आपकी मूली और जो सरसों है वो यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे सिमिलरली यहां पर साइमोज है सेकंड टाइप ऑफ इंफ्लोरेशन साइमोज रेसिमोज से जस्ट अपोजिट है

इन जहां पे आपके जो फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और आपका टर्मिनल जो है फ्लावर यहां पर नहीं प्रेजेंट होता तो अगर आप रेसिमोज देखोगे मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पर बना दिया है कि आपके सबसे जो बूढ़े फ्लावर हैं वो सबसे नीचे प्रेजेंट है और सबसे यंग वाले आपके टॉप पर प्रेजेंट है लेकिन आपका यहां पर कोई फ्लावर नहीं है मतलब इट इज नॉट गेटिंग टर्मिनेटेड जो एक्सिस है वो आपकी टर्मिनेट नहीं हो रही है तो आपका इनडेफिनेट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ये एक्सिस बढ़ती ही चली जाएगी लेकिन साइमोज में इसका अपोजिट होता है साइमोज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है आपका टर्मिनेट हो जाता है एक्सिस फ्लावर के फॉर्म में और बेसिपेटल ऑर्डर होता है तो यहां पर आपके छोटे वाले जो है आपके बेस पर देखने को मिलते हैं राइट सो साइमोज का ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीआरटी में दिया हुआ है यहां पर देखो आपका जो टर्मिनल फ्लावर होता है मैंने क्या बोला था जो शूट अपेक्स से एकदम टर्मिनल बनेगा वो क्या होगा हमेशा सॉलिटरी होगा वो आपका सिंगल होगा तो यहां पर आपका सॉलिटरी मिलता है लेकिन ये वाली जो एक्सेस है यहां पर आपके मल्टीपल फ्लावर मिल सकते हैं ये जो टर्मिनल वाला होगा ये अगेन सॉलिटरी होगा ये जो टर्मिनल वाला होगा ये अगेन सॉलिटरी होगा एंड सो so तो ऑन आपका रेसिमोज बता रखा है एनसीआरटी में ये आपका साइमोज बता रखा है बस इतनी डिटेल दे रखी है सिर्फ यही लेकिन अब जब आप देखेंगे इनके टाइप तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे मैं पहले ही आपको बता रहा हूं मैं जो आपको बताऊं सिर्फ आपको वो चीजें याद करनी है कॉपी में नोट कर देनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए मैं इसे स्किप करना नहीं चाह रहा आप पास क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी सारे क्वेश्चन को उड़ा के रख दोगे प्लीज मेक श्योर सिर्फ आराम से बातों को सुनो उसके बाद जो है आप लोग डायग्राम बनाते रहना नो इश्यूज चलिए तो आपका जो रेसिमोज है पहले उन्हें हम अलग अलग टाइप की इनफ्लोरा में डिवाइड करते हैं आपके रेसिमोज को राइट तो जो रेसिमोज है जिनमें आपका टर्मिनल फ्लावर नहीं प्रेजेंट होता जिनमें आपकी इंडेफिनेट ग्रोथ होती है उसको हम लोग अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो पहला जो आपका रेसिमोस का टाइप है इसे आप रेसीम बोलते हो रेसीम मतलब रेसिमोस को देखकर जो सबसे कॉमन पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आता है जो हमने यहां पर देखा था यह आपका रेसिम है ओके okay? कि हां भाई जो छोटे वाले हैं वो ऊपर और यू यूनो उससे बड़े वाले बड़े वाले जो है आपके नीचे प्रेजेंट होंगे सेम यही पैटर्न आपका यहां पर देखने को मिल रहा है ये 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 आपका 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 फ्लावर 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 है 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 तो ये इस तरीके से प्रेजेंट है ये आपका रेसीन पैटर्न है कि ये आपकी मेन एक्सिस है अब देखो यहां पर दो चीजें होती हैं मैं आपको यहां पर जो है डिफरेंस क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर दो चीजें आएंगी जिनको आपको समझना है पहला आपका पेडंकल पेडंकल और दूसरा आपका पेडिसल ओके पेडिसल वो है जो एक फ्लावर के साथ अटैच होता है इफ दिस इज अ फ्लावर तो इस फ्लावर की जो डंडी है इसे आप क्या कहते हो इसे आप पेडिसल कहते हो तो इसे आप पेडिसल बोलोगे राइट right? और एक वो पर्टिकुलर एक्सिस एक वो पर्टिकुलर ब्रांच स्टेम का पार्ट जिसके ऊपर सारे ही फ्लावर प्रेजेंट हैं इसे आप पेडंकल बोलोगे तो पेडंकल ये वाला हो जाएगा जिसके ऊपर ये छह के छह फ्लावर जो यहां पर शो किए हुए हैं सारे के सारे जहां पर अटैच हैं ये आपका पेडंकल और ये जो आपका सिंगल फ्लावर के साथ जो डंडी अटैच है उसकी इसे आप पेडिसल बोलते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इन दोनों में आपको एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए ना तभी आप चीजों को समझ पाओगे सो यहां पर ये क्या है ये आपका फ्लोरल एक्सिस है जिसे आप पेडंकल बोलते हो और इस पेडंकल के ऊपर जो है काफी सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है और ये पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं राइट तो यहां पर आपके आपके पेडिसिलेट फ्लावर फ्लावर मिलते हैं ये मेल फीमेल दोनों तरीके के होते हैं जैसे कि आपका रेडिश और मस्टर्ड यानी कि आपकी फैमिली ब्रेसी केसी में जो है आपका रसीम देखने को मिलता है ओके तो आपका रेसीम देखने को मिलता है ब्रेसी केसी ओके तो रेसीम में क्या हुआ बिल्कुल सिंपल जो आपको लगता है जैसा कि रेसीमोथ होगा वो रेसीम है ओके okay, क्योंकि नाम भी सेम मिलता है रेसिम रेसिम से रैसीम. अब आता है आपका पेनिकल पेनिकल में क्या होगा रेसिम को थोड़ा मोडिफाई कर दो यहां पर आपका एक जो पेडिसल है इस पर आपका एक फ्लावर प्रेजेंट है यहां पर क्या होगा यहां पर आपका ये जो पर्टिकुलर पेडंकल है ये जो आपकी मेन ब्रांच है जिसे आप पेडंकल बोल रहे थे ये पेडंकल आपकी ब्रांच हो जाएगी ओके सो ये पेडंकल के पार्ट है ये पेडंकल के पार्ट है इन पेडंकल के ऊपर फिर पेडिसलेट फ्लावर प्रेजेंट रहेगा ओके okay. इनके बाद पेडिसल प्रेजेंट रहेगा फिर आपका फ्लावर प्रेजेंट रहेगा तो so यहां पर आपका पेडिसलेट है ये क्योंकि पेडिसल प्रेजेंट है और यहां पर आपका जो पेडेंकल है ये ब्रांच है तो ये आपका थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा रेसीम से इसे आप क्या बोलते हैं पेनिकल बोलते हैं जैसे कि आपका गुलमोहर में यहां पर पाया जाता है तो गुलमोहर में क्या पाया जाएगा पेनिकल ये आपका रेसीम का पिताजी है रेसीम में क्या था आपकी जो यू नो पेडेंकल थी वो ब्रांच नहीं थी यहां पर पेडेंकल ब्रांच हो गया और उसके बाद सेम पेडिसलेट फ्लावर आपको देखने को मिले ये आपका हो गया पेनिकल अब देखो स्पाइक स्पाइक का मतलब क्या होता है स्पाइक का मतलब एक पर्टिकुलर पर कांटे की तरह कुछ प्रेजेंट है उसे आप स्पाइक बोलेंगे सो यहां यहां पर पर क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका है इसके ऊपर आपके इस तरीके से फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से और ये फ्लावर होते हैं आपके ससाइल, ससाइल यानी ये मूव नहीं कर सकते क्यों नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये पेडिसिलेट नहीं है यहां पर अगर आप देख रहे हो मेन एक्सिस यहां पर डंडी है फिर फ्लावर है तो ये डंडी जो है इसे मूव करा सकती है ना इस साइड इस साइड डंडी है तो फ्लावर हिल सकता है लेकिन यहां पर कोई डंडी नहीं है यहां पर ये यह डायरेक्टली जो है आपका स्पाइक के फॉर्म में आपके पेडंकल से ही बाइंड हो गया पेडंकल के साथ फ्यूज हो गया तो ये कैसा केस हुआ ये आपका ऐसा केस हुआ जिसमें आपके फ्लावर सेसाइल है इसे आप स्पाइक बोलते हो तो इसका एग्जाम्पल हो गया अकाइरेंथस अकाइरेंथस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्पाइक इसके बाद क्या आता है आपका स्पाइकलेट आता है यानी जैसे हमने रेसिम को मॉडिफाई करके पैनिकल बना दिया था आपके स्पाइक में क्या हो जाएगा यहां पर ये यह जो फ्लावर है इसके नीचे क्या आ जाएगा ये जो फ्लावर है इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा आपका ब्रैक्ट आपका मोडिफाइड ब्रैक्ट सो यहां पर जो है आपको मोडिफाइड ब्रैक्ट देखने को मिल गया जैसे आप फर्टाइल ब्रैक्ट बोलते हो और इनके बीच से जो आपका पेडिसल है वो अराइस होगा सो यहां पर ये जो फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं इनको आप क्या बोलते हो इनको आप लेमा बोलते हो इनको आप लेमा बोलते हो ओके okay? और इन लेमा जिस पोजिशन पर यह लेमा अटैच होता है यहां से आपकी जो है पेडिसल अराइज होगी और इसके बाद जो है आपका फ्लावर

ओरिएंट हो रहा है उसके ऊपर अगर फ्लावर प्रेजेंट तो कैटकिन, कैटकिन पेंडुलेट स्पाइक। पेंडुलेट स्पाइक मतलब अब यहां पर देखो स्पाइक आपका बिल्कुल सीधा सीधा था अब इसको आप क्या करो पकड़ो और उल्टा पेंडुलम की तरह लटका दो इसको गौर से देखो ओके इसको अगर आप गौर से देखोगे और उल्टा करके देखोगे इसे तो आपको क्या मिला आपको कैटकिन मिल गया यानी स्पाइक को अगर आपने पेंडुलम की तरह उल्टा लटका दिया जिसके ऊपर आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर बॉर्न होते हैं तो यहां पर आपको क्या मिला देखने को यहां पर आपको पेंडुलस स्पाइक मिला इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसे आप कैटकिन बोलते हो जैसे कि आपका मलबरी एंड ओक सो तो मलबरी और ओक में आपका कैटकिन देखने को मिलता है तो इसे पेंडुलस बोल सकते हो आप लोग पेंडुलस क्योंकि आपका ये जो है उल्टा लटका हुआ है उल्टा स्पाइक इसे आप बोलेंगे राइट फिर स्पेडिक्स Spadics आपको मक्के से याद करना अगर आप मक्का देखोगे तो मक्के के अंदर जो है क्या प्रेजेंट रहता है एक फ्लैशी एक्सिस प्रेजेंट रहती है जिसमें आपके मेल फीमेल फ्लावर्स हो सकते हैं और उसके चारों ओर जो भुट्टा जब आप निकालते हो तो उसको छीलते हो आप लोग तो उसके चारों ओर जो कलर्ड ब्रैक्ट है इन्हें आप स्पेथ बोलते हो ओके okay, सो so जो कलर्ड ब्रैक्ट है आपके मक्के के जो मेज के उन्हें आप क्या बोलोगे स्पेथ बोलोगे और अंदर का जो मेन आपका फ्लैशी एक्सिस है जो आप खा सकते हो उसमें आपका मेनली जो है मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे सो ये जो मेज है और कोलोकेशिया इसमें आपको देखने को मिलता है स्पेडिक्स स्पेडिक्स आप मक्के से याद कर सकते हो इसकी भुट्टे जैसी शक्ल होती है जो जो कि देख के ही पता लग रहा है राइट यहाँ पे तो आपकी फ्लैशी एक्सिस होगी और उसके साइड में कलरफुल ब्रैक्स होंगे यहां पर कोरिम्ब आता है आपका कोरिम्ब क्या होता है कोरिम्ब में आपकी एक्सिस जो रहती है आपकी थोड़ी सी शॉर्टन हो जाती है जो आपकी मेन एक्सिस है थोड़ी सी शॉर्टेन हो जाती है और आपके सारे के सारे फ्लावर जो हैं हैं लगभग लगभग आपके सेम सेम पोजीशन पोजीशन पर पर आ जाते पर आ जाते जाते हैं तो जो आपके सबसे पास वाले फ्लावर हैं जो सबसे यंग वाले हैं इनकी आपकी यू नो पेडिसल काफी छोटी होगी उनसे जो दूर वाले हैं इनकी पेडिसल बड़ी होगी क्योंकि सारे अगर सेम लेवल पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार मैथमेटिक्स क्या कहती है अगर सारे सेम लेवल पे आ रहे हैं और दूर वाला भी सेम लेवल पे आ रहा है तो इसकी एक्सिस तो बड़ी होगी ना तो यहां पर क्या हुआ ये जो आपकी पेडिसल है आपके टर्मिनल फ्लावर की सबसे ज्यादा बड़ी होती है राइट और आपके जो सबसे पास वाले हैं सबसे यंगेस्ट जो फ्लावर है इनकी छोटी होती है तो कोरिम का मतलब आपके सारे के सारे आपके सेम लेवल के आसपास आ जाते हैं राइट इनके लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो ये आपको कैंडी फ्रूट में देखने को मिलता है सिमिलरली आपका कॉलीफ्लावर जो है उसमें आपका कंपाउंड कोरिम्ब देखने को मिलता है कोरिम्ब का मतलब सारे एक एक्सिस पे आ रहे हैं तो समझ लो आपने यहां पर इसे स्टार्ट किया और ये आपका तीन एक्सिस में डिवाइड हो गया तीन एक्सिस में तो यहां से आपके काफी सारे फ्लावर्स निकलेंगे यहां से आपके काफी सारे फ्लावर्स निकलेंगे और यहां से आपके काफी सारे फ्लावर निकलेंगे तो ये क्या हुआ कोरिम और कंपाउंड कोरिम में क्या होगा आपकी जो मेन एक्सिस है वो डिवाइड हो जाएगी वो अगेन आपकी ब्रांच हो जाएगी तो आपका कंपाउंड अरेंजमेंट यहां पे देखने को मिलेगा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि कोरिम है तो सारे आपके फ्लावर जो रहेंगे सेम एक्सिस पे सेम लेवल पे आएंगे ये आपका कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसीलिए इसे मैंने अलग से लिख दिया है देन आपका अंबल अंबल से दिमाग में क्या आता है अंब्रेला बिल्कुल सही ओके सो अंबरेला जैसी शेप यहां पर बनती है जैसी शेप यहां पर बन जाती है तो आपके सारे जो ब्रैक्ट हैं वो एक जगह पर आके ऐसा लगता है कि ये फ्यूज हो चुके हैं और सारे फ्लावर एक जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं ऐसा आपको प्रतीत होता है तो यहां पे जो आपका यंगेस्ट है ये आपका सेंटर पे हो जाएगा और जो आपका ओल्डेस्ट है पेरी -फेरी पे हो जाएगा ये तो देखो यार उसूल है ओके तो यहां पर क्या है आपका ब्रैक्ट जो है साथ में आकर इकट्ठे हो जाते हैं तो इन ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट को आप क्या बोलते हैं इनवोल्यू बोलते हैं तो इनवोल्यूकर कहां बनता है आपका अंबेल में बनता है जहां पर अंबरेला सारे सारे से ओरिजिनेट हो रहे हैं जैसे कि आपका प्याज में और ब्राह्मी के अंदर आपका अंबल देखने को मिलता है अगर आप देखें कंपाउंड अंबल तो कंपाउंड अंबल में क्या हो जाएगा वही यही आपका देखो पेडंकल है पेडेंकल पहले ब्रांच हो गया पेडंकल ब्रांच हो गया इसके बाद आपका वही यहां पर देखो कि सारे के सारे ब्रेक्ट फ्यूज हो गए तो क्या बन गया इनवोल्यूकर बन गया इनवोल्यू कर बनने के बाद यहां पर आपके सारे के सारे फ्लावर्स इस तरीके से प्रेजेंट है तो छतरी जैसी शक्ल यहां पर बन गई तो क्या हुआ अम्बल हो गया और क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग है तो क्या हुआ कंपाउंड एम्बल हो गया तो कंपाउंड अम्बल कहाँ मिलता है आपको धनिया में मिलता है आप उसकी लीफ की शेप से याद कर सकते हो थोड़ा बहुत ओके okay? अगर अंदाजा लगाना चाहते हो धनिया की अगर शेप देखोगे लीफ की तो उससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो देखो यार ओके इस तरीके की लीफ आपकी होती है

यू नो फिक हो जाता है सिमेट्री में यानी इसमें बाइलेट्रल सिमेट्री है और जब आप डिस्क फ्लोरेट देखेंगे जो कि आपका मेन डिस्क के ऊपर प्रेजेंट है तो ये जो आपके डिस्क फ्लोरेट्स हैं इनमें आपका मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे तो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे और ये एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्रिकल हो जाएंगे आपको इसे किसी भी एक्सेस में अगर डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं राइट और इनवोल्यूकर जो है ये आपके यहाँ पर ब्रेक्ट की जो आपकी कॉम्बिनेशन है इनवोल्यूकर जिसे आप बोल रहे थे ये आपके कॉर्नर में प्रेजेंट हो जाएंगे सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप कैपिचुलम और हेड इसलिए बोलते हो क्योंकि यहां पर एक्सिस जो है वो आपकी फैल गई है और आपने फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे आप रिसेप्टेकल बोल रहे हो उसके ऊपर आपके डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट है और कोने से आपकी रे निकल रही है यानी विंग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं -like है जिसे आप रे फ्लोरेट बोल रहे हैं सो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट आपको एनसीआरटी में एग्जाम्पल मिल जाएंगे सो so, अगर आप देखेंगे तो आपका रे फ्लोरेट क्या होता है सिर्फ फीमेल होता है राइट right? एंड uh, ये आपका uh, जाइगोमॉर्फिक होता है एंड यहां पर आपको एक्टिनोमॉर्फिक और अरेंजमेंट देखने को मिलती है डिस्क फ्लोरेट के अंदर तो ये आपके अलग अलग टाइप के क्या थे आपके रेसिमोज तो क्योंकि इन सारों में अगर आप देख लो सारों में क्या है आपका जो यू नो एक्रोपेटल ऑर्डर है सबके सबके अंदर अब आप बेसिपेटल ऑर्डर वाले प्लांट देखोगे यानी यहां पर अब आप देखोगे साइमोज तो साइमोज के जो है चार मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है तीन ही बोले जाएंगे इसे आप बोलते हो मोनोकेजियल मोनोकेजियल मतलब आपकी सिंगल जो एक्सिस है वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहां पर आपका सिंगल क्या है सिंगल आपका पेडेंकल प्रेजेंट है सिंगल पेडें पेडेंकल पे आपका क्या हुआ फ्लावर टर्मिनेट हो गया फिर यहां से एक एक्सिस निकलेगी फ्लावर टर्मिनेट हो गया फिर यहां से एक एक्सिस निकलेगी फ्लावर टर्मिनेट हो गया यहां से एक एक्सिस निकलेगी फ्लावर टर्मिनेट हो गया एंड सो ऑन ओके okay? सो so, ये आपका हेलीकॉइड टाइप साइम होता है यानी यहां पर साइमोज इन्फ्लोरसेंस हेलीकॉइड टाइप है क्योंकि आपका क्या बना लेगी एक हेलिक्स बना लेगी यहां से फिर निकलता जाएगा फिर यहां से निकलता जाएगा फिर यहां से निकलता जाएगा तो आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर बनी ना आपकी ऐसे देखो यहां से अगर आपने स्टार्ट किया आपकी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है यहां पर सो इट इज यू नो हेलीकॉइड सो हेलीकॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा हेलियोट्रोपियम जाहिर सी बात है में हेलियो वर्ड आ रहा है ना तो याद भी करने की जरूरत नहीं है हेलियोट्रोपियम आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल्स में तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ओके सो तो यहां पर एक और आप देखोगे मोनोकेजियल तो मोनोकेजियल में आपकी दोबारा एक ही एक्सिस है लेकिन यहां पर आपकी हेलिकल अरेंजमेंट नहीं है यहां पर स्कॉर्पियोइड अरेंजमेंट है स्कॉर्पियोइड मतलब एक बार यहां 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 यहा, यहा, तो जैसा मैंने बताया वैसा ही होगा एक बार यहां फ्लावर टर्मिनेट 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 इसे आप बोलते हो स्कॉर्पियोइड स्कॉर्पियइन जो कि आपकी फ्रीजिया में मिलता है राइट right? स्कॉर्पियन आपका फ्रीली मूव करता है ना तो फ्रीजिया में आपका मिल जाएगा फिर आपका क्या होता है फिर आपका होता है डाई केजियल मतलब यहां पर आपकी एक एक्सिस थी जो की फ्लावर में टर्मिनेट हो गई लेकिन इससे दो एक्सिस आपकी और ओरिजिनेट होंगी यानी दो आपको यहां पर और पेडंकल देखने को मिलेंगी ब्रांचिंग हो गई है तो इसे आप डायजीएल बोलोगे तो आपका दो के अंदर ये और बायफर्केट हो गई फिर फर्दर ये आपका दो दो के अंदर बायफर्केट होती जाएगी राइट सो इसे आप डायजियल बोलते हो कि एक जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर आपका एक टर्मिनल फ्लावर मिलेगा फिर आपका ये दो दो में जो है टर्मिनेट होती जाएगी फिर यहां पर आपका फ्लावर बन जाएगा ये दो में टर्मिनेट हो जाएगी फिर यहां पर फ्लावर ये दो में टर्मिनेट फिर यहां पर फ्लावर ये दो में टर्मिनेट इस तरीके से आपकी ये डायजियल या बाई कि आपका में, राइट? और एक टर्मिनल फ्लावर हो गया बचे हुए पेडंकल फिर एक टर्मिनल फ्लावर हो गया इस पर बाकी सारे आपके पेडंकल देखने को मिल गए एक टर्मिनल फ्लावर हो गया एक्सिस पे बचे हुए आपके पेडंकल हो गए पॉलीकेजियल विच इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस राइट जिसको आप मदार भी बोलते हो ओके जिसको आप आंख भी बोलते हो ये जो आंकड़े का पेड़ है इसमें आपका पॉलीकेजियल साइम आपको देखने को मिलता है तो साइमोज में क्या हुआ साइमोज में बिल्कुल सिंपल है यार याद करना मोनोकेजियल बायकेजियल खत्म ओके ब्रांचिंग पैटर्न के हिसाब से नाम रख दिया जितना बोला गया है उतनी ब्रांच बना दो अब मोनोकेजियल में दो है अगर आपकी हेलिक्स बन रही है तो आपका हैलीकॉइड और अगर आपका इस तरीके का अरेंजमेंट है एक के बाद एक इस तरीके का तो आपका स्कॉर्पियोइड खत्म चलो ये आपके साइमोज हो गए अब आपकी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस आती है स्पेसिफिक kind of बहुत, बहुत, स्पेशल से आपका डायरेक्टली पूछता है पहला है ब्रेक्ट से हमने क्या बताया था जहां पर ब्रेक्ट आपके फ्यूज करते हैं इनवोल्यूकर बन जाता है ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट इज कॉल्ड एज इनवोल्यूकर तो यहां पर जो इनवोल्यूकर है ये क्या करता है आपका कप शेप बना लेता है और इस कप शेप के अंदर एनक्लोज होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम पे साहित्यम में क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम पे साहित्यम में एक फीमेल जो है आपका पार्ट देखने को मिलेगा मेन फीमेल पार्ट आपका देखने को मिलेगा तो ये जो है आपके पिस्टल ये सिंगल हो जाएगी पिस्टल सिंगल हो जाएगी और यहां पर मेनी मेल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे तो हर एक जो मेल पार्ट रहेगा ये क्या करेगा एक स्टेमिन को रिप्रेजेंट करेगा राइट right? तो ये सारे स्टेमन मिलकर आपका एंड्रोशियम बनाएंगे और ये जो सिंगल आपका फीमेल पार्ट है ये आपका गाइनोशियम बना लेगी तो ये जो मेल फीमेल पार्ट है ये कप शेप के इनवोल्यूकर के अंदर प्रेजेंट है और ये कप शेप इनवोल्यूकर कहां बना है आपका ब्रेक्ट की फ्यूजन से इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेशल को क्या बोला साइथियम बोला और ये आपका यूफोर्बिया में प्रेजेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब यहां पर देखो इसको क्या बोला वर्टिस इलास्टर बोला वर्टिस इलास्टर में आपने जो पढ़ा है आपको वही करना है देखो यहां पर एक चीज देखो कि आपने डाय केजियल में क्या बोला डाय केजियल में एक फ्लावर आपका टर्मिनेट हुआ फिर दो आपके यहां पर जो है ब्रांचेस आ गई ओके सो दिस इज डाय केजियल तो यहां पर क्या हुआ आपके मेन जो सेंटर है यहां से आपकी दो ब्रांचेज आएंगी राइट एक ये और एक ये तो स्टार्टिंग में आपका क्या है डाय केजियल अरेंजमेंट है डाय केजियल अरेंजमेंट है राइट तो यहां पर फ्लावर टर्मिनेट हो गया ये खुद फिर दो साइड में आपका जो है उगा तो ये क्या हुआ केजियल हो गया ये वन और टू जो नंबर है ये क्या दिखा रहे हैं आपके? दिखा रहे रहे हैं हैं आपके केजियल अरेंजमेंट क्योंकि यहां पर आपका एक फ्लावर टर्मिनेट हुआ उसके अलावा दो एक्सेज आपको यहां पर देखने को मिल रही है ये वाली ये वाली और ये वाली और ये वाली तो डाय केजियल हो गया लेकिन उसके बाद क्या हो गई ये उसके बाद ये मोनो कैज हो गए एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड फिर इसका इस, इस साइड हो जाएगा फिर इस साइड फिर इस साइड फिर इस साइड यानी कौन सा पैटर्न है ये ये आपका स्कॉर्पियोइड पैटर्न है यानी आपका एक बार केजियल अरेंजमेंट हो जाएगा डायकेजियल के बाद ये क्या करेंगे मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड अरेंजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देंगे सो so, ये आपके दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस का मिक्स है इसीलिए इसे क्या बोला वर्टिसलास्टर स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो आपका तुलसी या फिर सालविया में आपको देखने को मिल सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुलसी को आप लोग क्या बोलते हो ऑसिमम बोलते हो ऑसिमम सेंटम ये इसका साइंटिफिक नाम है यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बहुत वाइटल है याद करना पड़ेगा वर्टिसलास्टर ऑसिमम एंड लास्ट जो आपका बचता है वो है आपका हाइपेंथोडियम हाइपेंथोडियम इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ इन तो यहां पर क्या हुआ आपका ये जो यू नो मेन आपका यहां पर पेडंकल आया था इससे आपकी पेडिसल आएगी पेडिसल के बाद आपका जो फ्लैशी रिसेप्टेकल होता है ये यहां पर क्या बनाएगा फ्लैशी रिसेप्टेकल यहां पर हॉलो कैविटी बना लेगा यानी एक कैविटी बन जाएगी जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे ओके okay? सो so, यहां पर क्या होता है आपका एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस होलो कैविटी की जिसे आप ओस्टियोल बोलते हो ओस्टिया मतलब क्या होता है स्मॉल पोर जहां से ओपनिंग होती है तो ओस्टियोल का मतलब यहां पर ओपनिंग होगी तो इस ओपनिंग के पास कौन प्रेजेंट रहेगा इस ओपनिंग के पास आपका प्रेजेंट रहेगा मेल पार्ट ओके और यहां पर नीचे की साइड आपके लंबे लंबे स्टिग्मा स्टाइल के साथ कौन प्रोवाइड करेगा आपका कौन प्रेजेंट रहेगा आपका फीमेल पार्ट और इन दोनों के बीच में यहां कहीं पे आपका मीडियोकर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा आपका गोल फ्लावर जो कि क्या होता है स्टेराइल होता है ये आपका स्टेराइल होता है तो सबसे नीचे कौन प्रेजेंट रहेगा आपका फीमेल आपका पोर के पास यानी ऑस्टियोल के पास कौन प्रेजेंट रहेगा आपका सबसे ऑस्टियोल के पास मेल और इनके बीच में कौन प्रेजेंट रहेगा आपका गोल फ्लावर जो कि स्टेराइल होता है क्योंकि इसमें जो है आपका बहुत अच्छे सेक्स ऑर्गन्स मॉडिफाइड नहीं होते तो ये आपका स्टेराइल फ्लावर बोला जाता है जिसे आप गोल फ्लावर भी बोलते हो ये जो आपकी स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ये आपकी कहां देखने को मिलती है आपको फ्रूट देखकर ही पता लगेगा कि आपकी एनसीआरटी का डायग्राम है राइट right? ये एनसीआरटी का डायग्राम है ओके okay? वहां पर ऑरेंज कलर से ये फ्रूट दिखाया हुआ है फिग जहां पर आपने बात की थी फिग और वास्प के बीच का रिलेशन इकोलॉजी की बात हो रही है आपके जब आप बात करते हो इकोलॉजी में कॉमनसेलिजम एमसिलिजम पैरासिटिज्म उस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपका फिग जो दिया हुआ है उसके फ्रूट की या फ्लावर की ऐसी पर्टिकुलर शक्ल दिखाई गई है देन आपका बनियान जो है उसमें भी आपका हाइपेन्थोडियम देखने को मिलता है तो एक बार फटाफट पत सारी की सारी रिवाइज कर लो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रेसिमोज आफ्टर दैट हम लोग बढ़ेंगे साइमोज की तरफ एंड देन हम स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ेंगे तो रेसीमोज में देखो क्या था सबसे पहले रेसिम सिंपल टाइप

ओके okay? ये आपका सिंपल अंबल भी हो सकता है जहां पर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर सारे ब्रैक्ट यू नो कंबाइन हो रहे हैं जैसे इनबल कर बोलते हैं वहीं से सारे फ्लावर अराइज हो रहे हैं सो इट इज कॉल्ड एज अंबल और ये आपका हो गया कंपाउंड अम्बल जहां पर ब्रांचिंग के बाद आपके सारे फ्लावर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां पर आपका एक्सिस जो है आपकी डिस्क शेप होगा जिसे आप रिसेप्टिकल बोलते हो यहां पर आपके रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट आपके सनफ्लावर में देखने को मिलेंगे ये आपकी कैपिचुलम है इसे आप हेड इन भी बोलते हो अब आपके आ गए साइमोस जिसके अंदर आपका मोनोकेजियल बाईकेजियल और आपका पॉलीकेजियल अरेंजमेंट देखने को मिलती है मोनोकेजियल में आपका हेलीकॉइड या फिर आपकी स्कॉर्पियोड अरेंजमेंट देखने को मिलती है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग स्पेशल टाइप में आपका साइथियम जिसमें आपकी कप शेप जो है आपका इनवोलू कर पिस्टिल देखने को मिलेगी, और काफी सारे आपको स्टेमेंस देखने को मिलेंगे अरेंजमेंट और उसके बाद मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड अरेंजमेंट इसको आप वर्टिसलास्टर बोलते हो तुलसी में देखने को मिलती है सबसे लास्ट में आपका हाइपेंथोडियम जहां पर आपका जो नो फ्लावर होता है बेसिकली उसमें एक होलो कैविटी होती है और उस होलो कैविटी का जो अपर

एक्सिस आपकी प्रेजेंट है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार इन स्लाइड्स को बनाने में बहुत टाइम लगा है बहुत मेहनत लगी है और पूरा डेटा जो है आपके सामने रखा है मैंने मेक श्योर sure किया है कि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो और आपको इस वीडियो से ज्यादा बेहतर वीडियो ना मिले सो प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट लाइक करके जाए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब बटन पे हथौड़ा फेंक के मारो पकौड़ा फेंक के मारो कुछ भी फेंक के मारो लेकिन फेंक के मार दो यार आज सब्सक्राइबर्स की बहुत नीड है बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड and uh, i'm really devoting all my time to you guys so please make sure to subscribe to this channel thank you so much lots of love jai hind and i'll catch you in the next video thank you